सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो हमने चेक किया, ऑन हो गया। अगर ऑन नहीं होता है, आ रही सप्लाई, ठीक है, अगर नहीं आ रही होगी तो हम इसका कनेक्शन चेक करेंगे कि ये कनेक्टेड कहीं पट्टा तो नहीं कहीं से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आ रही सप्लाई तो फिर हम चेक करते हैं आयो, फिर बायोस को चेक करेंगे कि वहाँ सप्लाई 3.3 वोल्ट बलती है नहीं होती। अभी क्या मैंने की प्रेस की और ये यहाँ पे लाइट जल गई और फैन चलने लगा, फैन ये ऑन मतलब कि बोर्ड ही ऑन हो गया। अब क्या है, लाइट तो जल रही है बट ये फैन नहीं चल रहा है। तो फैन का सिस्टम क्या होता है, ये सेंसिंग के रूप में लगा होता है, सेंसर लगा होता है इसके, एक से तीन वायर होते हैं। तो अब जब ये ज़्यादा हीट करेगा, जब ज़्यादा हीट करेगा तो फैन ऑटोमेटिक चलने लगेगा, ऑटोमेटिकली होता है। अगर हमें डायरेक्ट अगर चलाना है फैन तो हम उसकी 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसकी जो प्लस वाली सप्लाई, इस पर 5 वोल्ट डायरेक्ट कहीं से ले सकते हैं, यूएसबी के किसी पोर्ट से, तो ये डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट चलता रहेगा बट बैटरी ज़्यादा ज़्यादा करेगा। अब देखो हीट होगा, अब ऑटोमेटिक चलने लगाइए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ग्राफिक आईसी भी लगी है, इसका नाम एनवीडिया है, क्रिस्टल आईसी भी है, प्रोसेसर है, तीनों के लिए हीट सिंक एक ही लगी हुई है और ये इसकी गर्मी को आउट कर रहा है। ये माई रैम है, ये 3 पोर्ट दिए गए अलग अलग लैन के लिए, कोई ब्लूटूथ के लिए कार्ड के लिए है, वाईफाई नेटवर्क के लिए है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। तो इसमें एक ही कार्ड लगा है, कनेक्शन कई सारे हैं, ओके। और ये हमारी आईओआईसी, तो अगर ऑन ऑफ पे अगर सप्लाई नहीं आ रही थी तो हम क्या चेक करेंगे, फिर आयो चेक करेंगे, क्योंकि आयो से सिग्नल हमारे यहाँ पे इस ऑन ऑफ पे स्विच पे पहुँचता है या नहीं है, ओके। ये हमारा सीमॉस सेल है। अब इस बोर्ड को हमें चेक करनी है डिस्प्ले। अब इसमें तो दो लगी है आयो, एक ये लगी है ये विनबॉन्ड की, एक वो सेट लगी है। तो इसमें एक प्रोग्राम वाली है, ठीक, तो प्रोग्राम होती है, जैसे बायोस होती है प्रोग्रामिंग वाली, ऐसे आयो भी इसकी प्रोग्राम होती है, ठीक है। ये इंटेल लाइट लगी होती है। अब इसकी हमें डिस्प्ले चेक करना है कि बोर्ड में डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है। तो हम एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि हमको आसानी रहती है डिस्प्ले बार बार लगाने से। तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, लगा लिया, और यहाँ पे हम इसकी नेम लॉक की प्रेस करते हैं, नेम लॉक और कैप्स लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की जलने लगेंगी, तो मतलब कि हमारी ये डिस्प्ले इस बोर्ड में ओके है, ओके है। अभी अगर रैम की अगर प्रॉब्लम हो इस बोर्ड में, मान लीजिए कि रैम की प्रॉब्लम है, रैम नहीं लगी है या रैम खराब है, नहीं लगी है, और अब अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं कीबोर्ड तो पहले तो यहीं पे एक को ब्लिंक होने लगी है, ठीक है। और इसके बाद अगर यूएसबी से ये लगा है तो यहाँ पे अगर हम की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट नहीं जलेगी, मतलब कि रैम नहीं लगी है, या फिर रैम अगर लगी भी है तो वो सही खराब है, या फिर रैम की सप्लाई नहीं कहीं से बन रही है, ओके। तो रैम का सिस्टम ये होता है। अब प्रोसेसर की बात आती है, प्रोसेसर अगर ज़्यादा हीट कर रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रही है तो खराब हो सकता है, या फिर हीट नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, कोर वोल्ट, हम रैम को लगा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे फंसा के ऐसे प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली फंस जाएगी। अब जब अगर रैम पे अगर लगाने पर भी डिस्प्ले नहीं आएगी तो हम क्या चेक करेंगे, इस रैम की कॉइल चेक करेंगे, इस पर सप्लाई आती है या नहीं आती है, पावर नहीं लगा है। इसके बाद अगर प्रोसेसर अगर हमारा गड़बड़ है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, इन सभी कॉइलों पे, माइनस पे लगा दिए मैंने ऑन, इन इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे सप्लाई, ये जो कॉइलें लगी हैं सारी कॉइलों पे सप्लाई चेक करेंगे, सारी कॉइलों पे सप्लाई अगर बन रही है तो मतलब कि वो सेक्शन ओके है। जिस भी कॉइल पे सप्लाई नहीं बनेगी उस पर क्या होगा, उसकी हमें सर्किट ट्रेस करनी पड़ेगी, इसमें सप्लाई क्यों नहीं बन रही। अब अगर इस पे सप्लाई बन रही है, इस पे नहीं बन रही सेम वोल्टेज, तो हम यहाँ से एक जंपर यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, हमें इसकी सप्लाई ट्रेस ही करनी पड़ेगी, ओके। इतना क्लियर हुआ, हम फिर से चेक कर लेते हैं डिस्प्ले।
कि इस पर डिस्प्ले नहीं आ रही है नहीं। और हमको एक बार फिर से लगा दो पूरी नहीं ले। आगे डिस्प्ले थोड़ी लेट आया ओके डिस्प्ले डिस्प्ले जैसे आएगी नेम लॉग हम कैप लॉग प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये देखो लाइट इसकी चलने नहीं। अब हम इसकी डिस्प्ले पे चेक कर लेते हैं अभी तक हम कीबोर्ड से चेक कर रहे थे डिस्प्ले पे चेक कर रहे कर दो डिस्प्ले के इसकी पावर क्यों नहीं होती सब इसी में होता पावर डिस्प्ले मतलब कि इस डिस्प्ले केबल में तो प्रॉब्लम है क्योंकि कीबोर्ड पे हमारी डिस्प्ले आ रही है और इस पे डिस्प्ले नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले आ रही कैप्स लॉक पे तो मतलब कि बोर्ड हमारा ओके लेकिन इस डिस्प्ले में कहीं से फॉल्ट है इसमें से कहीं ना कहीं फॉल्ट है या तो इस डिस्प्ले केबल में फॉल्ट है या अंदर इसकी सप्लाई में कोई फॉल्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा डिस्प्ले केबल चेक करना पड़ेगा या फिर हम डिस्प्ले बदल के देख सकते हैं ओके तो चेक करते हैं।